हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी हम वीडियो करने वाले हैं इंडियन हैदराबाद वर्सेस पाकिस्तानी हैदराबाद। तो डिफरेंस ऑफ कोर्स दोनों कंट्री में हैदराबाद है, तो दोनों के डिफरेंस क्या वो देखते हैं। चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोस्ट अमेजिंग क्लिप्स चैनल की एक और कंपैरिजन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे शहरों का कंपैरिजन करने वाले हैं जिनका नाम तो एक जैसा है, क्योंकि जहां एक शहर भारत में है तो वहीं दूसरा पड़ोसी देश पाकिस्तान में, और इन दोनों शहरों का नाम है हैदराबाद। वैसे चाहे आप भारत में हो या पाकिस्तान में, हैदराबाद नाम तो आपने काफी बार सुना ही होगा, लेकिन क्या आप दोनों ही शहरों से जुड़े किसी भी डिटेल के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारत की हाईटेक सिटी हैदराबाद और पाकिस्तान के सिंध प्रांत की दूसरी बड़ी सिटी पाकिस्तानी हैदराबाद के बीच एक ऐसा कंपैरिजन जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोनों ही शहरों की कुछ बेसिक डिटेल से। तो 650 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बसा और करीब 1,10,00,000 पॉपुलेशन के साथ भारत का हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी होने के साथ साथ देश के टॉप 10 शहरों में से एक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का प्रमुख केंद्र है। और समय के साथ ये शहर देश ही नहीं बल्कि दुनिया में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का हब बनता जा रहा है, इसलिए तो इसे साइबराबाद के नाम से भी जाना जाता है। वहीं 993 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला और करीब 25 लाख पॉपुलेशन के साथ पाकिस्तानी हैदराबाद कराची के बाद सिंध प्रांत का दूसरा बड़ा शहर है, जहां टेक्सटाइल, चूड़ियां, सीमेंट, साबुन, पेपर और प्लास्टिक के अलावा पाकिस्तान की कई बड़ी इंडस्ट्रीज सिंध के कराची हैदराबाद रीजन में ही मौजूद है। बात हो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पाकिस्तानी हैदराबाद भारतीय हैदराबाद के सामने दूर दूर तक नजर नहीं आती है, क्योंकि पाकिस्तानी हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर नेशनल हाईवे N55, M9 मोटरवे, हैदराबाद रेलवे स्टेशन, गिनती की बसें और एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जो 2013 से फाइनेंशियल लॉसेस के कारण बंद है। और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा पाकिस्तानी हैदराबाद में प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। वहीं भारत की हाईटेक सिटी हैदराबाद में सड़कों, पुलों और नेशनल हाईवेज का जाल बिछा है। साथ ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है। इसके अलावा 67 किलोमीटर लंबा हैदराबाद मेट्रो नेटवर्क पाकिस्तान देश के टोटल मेट्रो नेटवर्क से कई गुना बड़ा है। और भारतीय हैदराबाद में देश के कई बड़े शहरों से रेल और एसी बसें अवेलेबल हैं। इसके अलावा भारतीय हैदराबाद का प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर आप वीडियो में देख ही रहे हैं, चमचमाती कमर्शियल बिल्डिंग्स के साथ साथ वर्ल्ड क्लास रेजिडेंशियल फैसिलिटीज, 5-स्टार होटल्स, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग मॉल्स और रिक्रिएशनल एरियाज की भी कोई कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अब बात जीडीपी की, तो दोनों ही शहरों की जीडीपी में जमीन आसमान का फर्क है। जहां पाकिस्तानी हैदराबाद की जीडीपी 13 बिलियन US डॉलर के करीब है, वहीं भारतीय हैदराबाद की जीडीपी 95 बिलियन US डॉलर के करीब है। एक कॉस्मोपॉलिटन शहर होने के कारण भारतीय हैदराबाद में 65% हिंदू, 30% मुस्लिम, 25% क्रिश्चियन और 25% अन्य धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। और यहाँ तेलुगु, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। वहीं पाकिस्तानी हैदराबाद में माइनॉरिटी कम्युनिटी खत्म होती जा रही है और यहाँ आज के समय में 94% मुस्लिम, 5% हिंदू और 1% दूसरे धर्मों के लोग बचे हैं। वहीं पाकिस्तानी हैदराबाद में मेजॉरिटी पॉपुलेशन उर्दू और सिंधी बोलती है। तो आशा करते हैं कि आपको दोनों ही शहरों के बारे में इस कंपैरिजन वीडियो से एक बेहतर आइडिया जरूर मिला होगा। वैसे दोनों ही देशों के बीच रिश्ते अच्छे होते तो शायद ये कंपैरिजन कुछ अलग ही होता। और अगर आप भी घर बैठे बैठे देश के अलग अलग शहरों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वो भी इतना नहीं घूमी थी, थोड़ा बहुत घूम के आ गई थी।
बट नाउ अभी ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद जाके घूमना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो ड्रोन शॉट्स का लिए ब्लैक वाला ना, सब ब्लैक वाला ऐसे लगता है साइबर ट्रोन सिटी टाइप है ना, एकदम से गेम वाला सिटी। एब्सोल्युटली बहुत अच्छा, ऑफ कोर्स थोड़ा एडिट भी किया, कलर करेक्शन भी किया है, लेकिन क्या वो मैं वो ड्रोन शॉट से बहुत इंप्रेस हो रहा, ब्लैक वाला पर चमचमाती लाइट है और बड़े बड़े लोगों से लाइट हुए कंपनी के, देख रहा हर एक बिल्डिंग हर एक बिल्डिंग के, बहुत मस्त था, बहुत मस्त लग रहा था, बहुत अच्छा लगा। हैदराबाद इज वाओ वाओ। और पाकिस्तान में ऑफ कोर्स डेवलपमेंट की कमी है, ऑफ कोर्स की कंट्री की हालत बहुत खराब है, तो वो दिख के आ रहा है वहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेस ज्यादा है, बट आई थिंक सो वहाँ पे उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता, तो इसलिए उतना डेवलपमेंट नहीं है। रोड के नाम पे दो तीन हाईवे और खाली एक बोलते ना रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट भी बंद है ना, और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है वहाँ पे उतना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है वहाँ पे बेसिकली, राइट। और अपनी यहाँ पे तो हर चीज बहुत सारी चीजें, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमोबाइल्स एंड ऑल बहुत सारी चीजें, मतलब बोलते ना फैक्ट्रीज कितना कुछ है और उधर तो वाओ, बट मजा अब जाना चाहिए। लास्ट में हैदराबाद की बिरयानी थी वो तो उसका तो कोई तो नहीं, हैदराबादी बिरयानी यार, हैदराबादी बिरयानी पर अच्छा लगा देखे, आई थिंक इनके और मैं देखनी चाहिए कंपैरिजन वीडियो के चैनल पे, ताकि हमें भी बहुत सारी चीजें नॉलेज मिले, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, भी बहुत अच्छे अच्छे उठाए दोनों कंट्री से, ऑफ कोर्स जैसे उन्होंने इन्होंने लाकर दोनों कंट्री के हालात थोड़े अच्छे थे, तो क्या पता उधर की स्टोरी भी अलग होती, स्टोरी भी अलग होती। फिलहाल पाकिस्तान का साइड काफी लैक कर रहा है डेवलपमेंट में, और वो पब्लिक खुद वॉइस आउट भी करती है, पर गवर्नमेंट आई डोंट थिंक सो इतनी सपोर्टिव है ये सब में, ऑफ कोर्स तो वो एक है। जैसे इंडिया में बोलते ना काफी बूम मिला है, तो इंडिया में काफी बोलते ना डेवलपमेंट भी वो हिसाब से बहुत सारी चीजें हुई है इंडिया में, बहुत सारी काफी डेवलपमेंट, और दिख के आता है हर जगह पे वो जो डेवलपमेंट है, वो जहाँ पे ऐसे ऐसे सीनरीज भी बताई है ना हैदराबाद की, तो वैसे लगता है कि हाँ यार बनाया, मतलब बहुत अच्छा वीडियो आता है कि कितना कितना डेवलपमेंट हुआ है वहाँ, वो दिखने में अच्छे से आता है, तो वो अच्छी बात है कि काफी काफी हद तक डेवलप किया गया है, so that's a good thing, but and of course Pakistan here तो थोड़ा होता है ना पुराना, I think so 10 साल पहले का इंडिया, 10-15 साल पहले का इंडिया थोड़ा वैसा लग रहा था, वो पुराने टाइप की बिल्डिंग्स, ग्राउंड पुराने टाइप की बिल्डिंग्स, वो प्रॉपर ऐसा मतलब बोलते ना थोड़ा गांव वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें गांव में, हमारे तो गांव भी थोड़े काफी डेवलप, अरे बहुत डेवलप हो गया यार, बहुत इंडिया के गांव तो एक्चुअली ज्यादा डेवलप है, स्पेशली आई थिंक कोई ऐसा फार्मिंग कंपैरिजन वीडियो भी होना चाहिए पाकिस्तान में, और अच्छा डिफरेंस मालूम पड़ेगा, देखेंगे हम इनके चैनल में शायद कुछ मिल जाए, काफी अच्छा चैनल है, इनके चैनल की लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना इनके चैनल को, और जाके देखना भी, देखना बहुत सारे वीडियो, एंड हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन, और सजेशन भी देते रहना कमेंट पे, ऐसे बहुत सारे के वीडियोस के एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली टेक केयर।